नमस्ते, मैं भारती। मेरे भारत के किचन में आज आपका स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे एक ही आटे से पांच तरीके के पराठे। तो आइए ये रेसिपी को हम शुरू करते हैं। आज हम पांच तरीके के पराठे बनाएंगे। पनीर का पराठा बनाएंगे, चीज़ का पराठा बनाएंगे, लहसुन का पराठा बनाएंगे, जीरा का पराठा बनाएंगे, नमक मिर्च का पराठा तो बनाएंगे। आइए देखते हैं पराठा बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। पनीर का पराठा बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 100 ग्राम जितना पनीर लिया है। चीज़ का पराठा बनाने के लिए चीज़ का एक क्यूब ले लिया है। और लहसुन का पराठा बनाने के लिए 1 चम्मच लहसुन पीस के ले ली है। जीरा का पराठा बनाने के लिए यहाँ पे मैं हम छोटा चम्मच जीरा ले लेंगे। नमक मिर्च का पराठा बनाने के लिए 1 चम्मच मिर्च ले लेंगे, नमक ले लेंगे स्वाद अनुसार। पराठा बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बाउल ले लेंगे, उसमें 2 कप जितना आटा डाल देंगे गेहूं का। दूसरा कप भी डाल देंगे। अब हम आटा बांध लेंगे, जैसे रोटियों का आटा घर में बांधते हैं वैसे ही बांध लेंगे। अब आटे में थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे, एक साथ पानी नहीं डालेंगे और आटा बांध लेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने आटा बांध लिया है। अब इसमें हम थोड़ा सा तेल लगा के अच्छे से इसे मसल लेंगे। मैंने आटा गूंद लिया है। आइए अब हम पराठे बना लेते हैं। सबसे पहले हम आटे में से 5 लोइयां बना लेंगे, क्योंकि 5 तरीके के पराठे बनाने वाले हैं तो 5 लोइयां बना लेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने लोई बना ली है, थोड़ी बड़ी साइज की बनाएंगे क्योंकि हमें स्टफिंग भी भरनी है। मैंने यहाँ पे 5 लोइयां बना ली है। आइए अब हम पराठा बना लेते हैं। पराठा बनाने के लिए यहाँ पे मैंने डस्टिंग करने के लिए थोड़ा सा आटा ले लिया है। सबसे पहले हम पनीर का पराठा बनाएंगे, उसके लिए एक लोई ले लेंगे और उसे डस्टिंग कर लेंगे। डस्टिंग करने के बाद लोई को आधा बेल लेंगे। मैंने यहाँ पे लोई को बेल लिया है। अब इसमें हम 2-3 बूंद तेल की डाल देंगे। तेल डालने के बाद अब इसमें हम थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी मिर्च डाल देंगे। अब नमक मिर्ची को पराठे में पूरा फैला लेंगे। देखिए इस तरह से फैला जो लेंगे। हमने पनीर लिया था उसे ग्रेट करके पराठे में डाल देंगे। पनीर को मैंने अच्छे से ग्रेट कर लिया है। अब पराठे को चारों साइड से फोल्ड कर देंगे। यहाँ पे मैंने पराठे को अच्छे से फोल्ड कर दिया है। अब इससे डस्टिंग करके बेल लेंगे। तो यहाँ पे हमारा पहला पनीर का पराठा तैयार है, इसे प्लेट में रख देते हैं। आइए अब हम चीज़ का पराठा बना लेते हैं। वैसे ही लोई को लेके डस्टिंग कर लेंगे और आधा बेल लेंगे लोई को। जैसे हमने पहले पराठे में किया था, अब इसमें हम तेल नमक मिर्च डाल के इसे भी अच्छे से फैला लेंगे। अब जो हमने चीज़ का क्यूब लिया था, इसे ग्रेट करके पराठे में डाल देंगे। पराठे में मैंने अच्छे से ग्रेट करके चीज़ डाल दी है। अब इस पराठे को भी फोल्ड कर लेंगे।
अक्सर चीज़ का पराठा बच्चों को बहुत पसंद आता है, तो ये वाली रेसिपी आप बच्चों को ज़रूर बना के अब हम खिलाइएगा। पराठे को डस्टिंग कर लेंगे, इसे भी बेल लेंगे। देखिए हमारा यहाँ पे दूसरा चीज़ का पराठा भी बनकर तैयार है, इसे हम प्लेट में रख देंगे। अब हम तीसरा गार्लिक पराठा बनाते हैं। सबसे पहले लोई को डस्टिंग कर लेंगे और आधा इसे बेल लेंगे। अब इसमें भी थोड़ा सा नमक, तेल, मिर्च डाल के इसे भी अच्छे से फैला लेंगे। अब जो हमने गार्लिक पीस के रखी थी वो भी पराठे में डाल के अच्छे से फैला लेंगे। चारों साइड से अच्छे से गार्लिक को फैला लेंगे ताकि पराठे में पूरे गार्लिक की अच्छे से टेस्ट आए। अब इस पराठे को हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। अब इसे डस्टिंग करके बेल लेंगे। यहाँ पे मैंने तीसरा पराठा गार्लिक का भी अच्छे से बेल लिया है, अब इसे हम प्लेट में रख देंगे। अब हम चौथा वाला पराठा बना लेंगे, जीरा वाला पराठा। सबसे पहले लोई को लेके डस्टिंग कर लेंगे और उसे भी आधा बेल लेंगे। अब इसमें भी नमक, मिर्च, तेल, जीरा डाल के अच्छे से फैला लेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा जीरा डाल के अच्छे से फैला लेंगे सबको। जीरे वाले पराठे में जीरा डालते टाइम पे आपको जीरे को अच्छे से प्रेस करके फैलाना है, इससे हमारा पराठा बहुत अच्छा बनेगा और उसकी टेस्ट भी अच्छी अब आएगी। इसे भी फोल्ड करके बेल लेंगे। यहाँ पे हमारा जीरा वाला पराठा भी बनकर तैयार है, अब इसे हम प्लेट में रख देंगे और पांचवा पराठा बना लेंगे। लोई को लेके डस्टिंग कर लेंगे, उसे आधा बेल लेंगे। पांचवा पराठा हमारा बहुत ही सिंपल है, इसे आप कभी भी बना के फटाफट से खा सकते हैं। अब इसमें हम तेल, नमक, मिर्च डाल के इसे अच्छे से फैला लेंगे। आप चाहें तो इसमें मैगी मसाला भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने नमक, मिर्च, तेल को पराठे में अच्छे से फैला लिया है, अब इसे हम फोल्ड करके अच्छे से बेल लेंगे। इसको भी डस्टिंग करके बेल लेंगे। यहाँ पे हमारे पांच तरीके के पराठे बेल कर तैयार है, सिंपल और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी। तो आइए ये पराठों को हम सेक लेते हैं। यहाँ पे मैंने गैस ऑन करके तवा रख दिया है, अब इसमें हम थोड़ा सा ऑयल लगा के पराठे को अच्छे से सेक आप लेंगे। चाहें तो तो घी घी या या बटर बटर का का भी भी इस्तेमाल इस्तेमाल कर कर सकते सकते हैं। हैं। पराठे में थोड़ा सा तेल लगा लेंगे और आगे पीछे से अच्छे से सेक लेंगे। देखिए नमक मिर्च वाला पराठा बनकर तैयार है, अब इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। बाकी के पराठे भी ऐसे ही सेक लेंगे। हमारे पांच तरीके के सुपर टेस्टी पराठे बनकर तैयार हैं और आप इसे केचप के साथ, चटनी के साथ, दही के साथ खा सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो भारत भारतीस किचन को सब्सक्राइब करना ना भूलें।